हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जयकारा श्री हरि नाम, बोल सच्चे दरबार की जय। और ये आगे हमारे ब्लॉग वाले भैया, और ऐसा व्यू है मैं बता नहीं सकता, गजब, अंदर से एनर्जी। सो इस वक्त हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लगभग हमने 2 किलोमीटर 2.7 किलोमीटर कवर कर लिया। और ये देखो सब कुछ जैकेटें वैकेटें बाहर आ चुकी हैं, गीली हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ठंड है। अभी सांस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बाकी यहाँ पे लंगर वगैरह लगा हुआ है। सो यहाँ से लंगर खा के निकलेंगे, और वहाँ पे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं वो डीकैथलॉन के टेंट्स वगैरह लोग लेके आए हैं, कोई कहीं की छड़ी है ये भी आ रही है ऊपर। सो ये बेस कैंप है, यहाँ पे पानी दे रहे हैं, यहाँ पे लंगर वगैरह बांट रहे हैं। जय कैलाश, जय कैलाश, जय कैलाश, जय कैलाश। चंद्रजीत और यहाँ पे अर्जुन जय जम्वाल यहाँ पे हैं, और यहाँ पे आके हमारा मतलब दिल जो है इतना खुश हो चुका है, मतलब अंदर से पॉजिटिविटी आती है। हम यहाँ पे आए हैं तो लंगर खा के जरूर यहाँ से लंगर खाएंगे और निकलेंगे, और फिर देर सेवा लगाई हुई है। बहुत है, बहुत है। अर्जुन ने भी ले लिया, और ब्लॉग वाले भैया यहाँ पे जो लंगर मिला उसको ग्रहण करेंगे, और ब्लॉग वाले भैया आते ही होंगे, वो भी अपना चावल वगैरह अपनी रोटी लेके। सो अब इसे खा रहे हैं। अब जो ये लंगर खाना हमने शुरू किया तो 5-10 मिनट लग जाएंगे खाने में, उसके बाद थोड़ा बैठेंगे 5-10 मिनट, और मौसम इस तरीके का, और बस निकल पड़ेंगे आगे, क्योंकि हमने लगभग 7 बजे से पहले वहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर आके तेरे को कैसा फील हो रहा है? तो बिल्कुल अलग है ना, ट्रैकिंग है ये, पूरे ट्रैक पे आए हुए हैं। सर बस हो गई है, लेकिन बस करने का मन भी नहीं कर रहा। यही बात है सर, ये पॉजिटिविटी है यहाँ की। गया हुआ है चाय लेने, चाय भूल गए थे हम, इतनी ठंड में गरम गरम चाय पीने का तो मज़ा आएगा ही। तो जैसे ही वो चाय लेके आएगा फिर अब खाना स्टार्ट करेंगे फिर से। यहाँ पे देखो धुंध वगैरह चल रही है, साथ साथ बहुत ही ठंडा मौसम है, मेरे तो कपड़े गीले हो चुके हैं पूरी तरह, इसलिए मुझे ठंड बहुत लग रही है। सो ये मैं हूँ, ये अर्जुन है, और ये हमारी चाय है, चीयर्स, और ये हमारी पानी हो रही है। इस वक्त है हम कैलाश कुंड में, और ये देखो पीछे का व्यू, इस वक्त कुछ दिख नहीं रहा पीछे, बदर बाप, बदर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, जयकारा श्री हरि नाम, बोल सच्चे दरबार की जय। और ये आगे हमारे ब्लॉग वाले भैया, और ऐसा व्यू है मैं बता नहीं सकता, गजब, अंदर से एनर्जी। कभी ऐसा हो रहा है बादल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, अभी देखो ये एकदम से बादल आ रहे हैं, अभी पूरा बदरवा दिखेगा। स्कूल के ट्रैक पे मेरे को मिल चुका है मेरा सब्सक्राइबर नंदी सिंह राठौर उर्फ एड्रिक आरओ चिनोर, धोखेबाज। कैसा मजा आया? बड़ा मजा आया, अब आप मजा लीजिए, आनंद लीजिए। आनंद, रात को क्यों नहीं रुके? रात को नहीं रुकते ना। अब क्या बोलेगा तू सब्सक्राइबर्स को? सब्सक्राइबर को बोलेंगे जितने ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइब करें ना इसके चैनल पे, हाँ, कि इसको अगली बार आए तो ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके ही आए। कैसा व्यू था? मैं व्यू अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ी बता सकता हूँ, आप खुद जानेंगे वहाँ पे। आप बाय बाय, थोड़ी करना आपको, एक बार बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, यही जोश चाहिए हमें। जब खाना में उसका कोई सब्सक्राइबर मिलता है उसको तो मजा ही आ जाता है ट्रैक करते हुए। सो इस वक्त चल रहे हैं हम, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत मज़ा आया, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पे आना पैसा वसूल है। ट्रैक मैं खुद आज तक ऐसे ट्रैक में नहीं आया, भगवान भोले शंकर की कृपा हुई, और इस बंदे में तो कुछ ज़्यादा ही हुई है, सीधे ही बुलावा आ गया भाई। ये लोग सुबह 4 बजे गए हुए थे, सो ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि रात को वहाँ पर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब, डिफ़िकल्टीज हो जाती है। सो हमने तो डिसाइड कर लिया था, क्योंकि कहीं जाओ तो सुकून से जाओ, वहाँ पे रहो, भाग दौड़ में क्या करना है। अब लगभग हमें देखो कितनी देर हो गई है जागे हुए, बट फिर भी चल रहे हैं, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऐसे व्यू के लिए ना कुछ भी करेगा इंसान यार। 36 घंटे से ऊपर नींद आ रही है भाई? नहीं बिल्कुल नहीं भाई। CDS क्लियर करना, बिल्कुल बिल्कुल। हाउ इज द जश? हाउ सर, चल रही है हमारी खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। ओह सांस चढ़ रही है अब तो। अभी बचा हुआ है कोई 45-50 मिनट का रास्ता, और मिलते जा रहे हैं, कभी दीदी मिल रहे हैं, कभी भैया मिल रहे हैं। सो ये जो है दर्शन करके आ चुके हैं मनु जी, हाउ इज द जोश? बहुत सर, हो गए ठंडे? ओ ये होती है सच्ची श्रद्धा।
ये देखो हाँ, अब इन पाओं को छूना बनता है झुक के जो मांगो वो मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टोपी ले दो, ले दो। अब टोपी पहन के हम जाएंगे, टोपी बस परिक्रमा ध्यान से करना। क्यों खतरा है? बाय बाय, जय शंकर, जय शंकर, बाय बाय। पता है हम लेके आए हैं, बाय बाय। पूरे पत्थरों का भंडार है यहाँ से, तो डर ही लग रहा है ऊपर से। यहाँ से हम नीचे आके वापस चढ़ाई चढ़नी है, कहीं वो लोग जा रहे हैं ऊपर, कहीं हम पे ना पत्थर पुत्थर आ जाए। भाई ध्यान से आना अर्जुन भाई, ऑक्सीजन इज वेरी लेस ब्रो, ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे। अर्जुन को पूछो, ये देखो भाई क्या हालत है इसकी, ठीक है। बट व्यू देखो, पैसा वसूल है ना, है ना पैसा वसूल। ठंड लग रही है, मुझे बता अगली बार जब कभी आएगा यहाँ पे, कपड़े लेके आएगा? टेंट, कपड़े, हाँ सब कुछ, सब कुछ लेके आएगा। शॉल किसका है? मैं शॉल लेके आया था, इसको बहुत ठंड लग रही थी। बंदा टी शर्ट पहन के आया है, जहाँ पे अभी तक बर्फ नहीं गली है वहाँ पे टी शर्ट पहन के आया हुआ। न छेड़ो हमें हम सताए, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। वर्थ है ये रही 14,000 फीट की ऊंचाई, अभी लगभग 14,000 नहीं 13,000 समथिंग पे होंगे, 14,000 वहाँ पे होगी उस हाइट पे जब हम चढ़ेंगे पूरा, वो दिख रहा है। सो ये वर्थ है यार, ये रहा कैलाश कुंड। हर हर महादेव। अभी ऊपर जाना, अभी हमें वो जो आप देख रहे हो उसके पार जाना है, और उसके बाद जाके हम जिस चीज़ के लिए आए थे, कैलाश कुंड, वासुकी नाग जी के दर्शन के लिए आए थे, भगवान भोले शंकर के कैलाश कुंड पे आए थे। ये ग्लेशियर है, यहाँ पे पूरी बर्फ जमी रहती है। जिस चीज़ के लिए हम इतनी दूर आए थे, कैलाश कुंड लेक, वो हमें दिखने लगी है, वो आपको पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे सामने की तरफ, वो है कैलाश कुंड लेक। और वहीं पे यात्रा पहुँचेगी, देन कल सुबह वो फंक्शन वगैरह जो होता है वहाँ पे दर्शन वगैरह होंगे, और 7 बजे छड़ी जो है वापस निकलती है। सो रे ये रही वो लेक, इसके ऊपर भी एक लेक है दुर्गा लेक, लेकिन वो काफ़ी ऊपर है। सो यही है वो जहाँ पर यात्रा आई हुई है। सो अब चलते हैं वहीं पर, और लेक के पास ही जाके आपको मिलते हैं।